नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो मेरा वीडियो है बड़ा ही कॉमन वीडियो है। हम सबके घरों में कभी आप देखते हो कोई भी पक्षी यदि पंखे से टकरा करके गिर जाता है, ऐसी कंडीशंस में हमें ये समझ नहीं आता है कि हम फर्स्ट एड के तौर पर हम अपने बर्ड्स को क्या दे सकते हैं। आज मैं आपको वो प्राइमरी बेसिक स्टेप दिखाऊंगा कि आपके साथ कोई इस तरह की दुर्घटना हो जाए, आप कोई आपके घर में पक्षी आकर के गिर गया है तो आप को ये सोचने का समय ही ना मिले या आप डॉक्टर का वेट ना करें, उसके आने से पहले आप किस तरह से फर्स्ट एड जो है बर्ड्स को देख सकते हैं। देखिए ये जो बर्ड्स है आप अपने सामने देख रहे हो, ये जो है आप ये देख रहे हैं, ये जो है पंखे से टकरा गया है। पंखे से टकराने के कारण क्या है, इसका ये वाले जो फैदर्स का जो विंग है ये ऑटोमेटिक यहाँ से इंजर्ड हो गया। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले जो ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बर्ड्स को थोड़ा कंफर्टेबल करेंगे, यानी आपको पता है कि बर्ड जैसे ही पंखे से टकरा जाता है शॉक में चला जाता है, एकदम से घबरा जाता है। ऐसे में हमारा मेन काम होता है बर्ड्स की हैंडलिंग का, कि बर्ड्स को बिल्कुल अच्छे से हैंडल करें, उसको शॉक में बिल्कुल भी ना जाता है, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में क्या है, एक तो एक्सेस ब्लड लॉस हो जाता है और एक्सेस ब्लड लॉस होने की वजह से कई बार बर्ड्स की डेथ हो जाती है। अब हमने सबसे पहले जो बेसिक करना है, किसी इसमें दो व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो जो बर्ड्स को हैंडलिंग कर सके, दूसरा जो उसकी फर्स्ट एड कर सके। ये जो पोर्शन है इसमें सबसे पहले आप इसमें जो है बीटाडीन लेकर के आप कॉटन के ऊपर लिक्विड बीटाडीन लीजिए। सबसे पहले लिक्विड बीटाडीन से आपने इसको अच्छे से साफ करना है। बीटाडीन का पर्पज़ ये होता है कि वहाँ पर जितना भी कोई इन्फेक्शन होगा तो ऑटोमेटिक क्या है, उसको क्लीन करने में बीटाडीन हेल्प करेगा। आप यहाँ पर जो है टिंचर आयोडीन का भी यूज़ कर सकते हैं। टिंचर आयोडीन क्या होता है कि कोई भी जो एक्सेस ब्लीडिंग होती है, जैसे ही आप टिंचर आयोडीन लगाओगे उस ब्लीडिंग को रोकने में टिंचर आयोडीन काफ़ी मददगार होती है। बर्ड्स के अंदर ये होता है कि अगर इनके बॉडी का 10% बॉडी वेट से ज़्यादा आप ये मान के चलिए ब्लड लॉस हो जाता है तो बर्ड शॉक में चला जाता है या उनकी डेथ हो सकती है। ऐसे में हमारी जो मेन प्रायोरिटी होती है इंजर्ड बर्ड्स के साथ सबसे पहले होती है कि किसी भी तरीके से हम उसके ब्लड को रोकना है। एक जो घरेलू उपचार हम कर सकते हैं, हम सबके घरों में आइस क्यूब यानी बर्फ हमेशा अवेलेबल होती है। जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है सबसे पहले कोई भी आइस क्यूब लेकर के उसके ब्लीडिंग वाले पोर्शन पर आप लगा दीजिए, 2 से 4 मिनट लगा दीजिए। ब्लीडिंग जो आइस क्यूब होते हैं उसके लगाने से ब्लड जो है एकदम रुक जाएगा, जो ब्लीडिंग है एकदम स्टॉप हो जाएगी। जैसे ही आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है आपने करना क्या है, आपने इसको बीटाडीन से साफ़ कर दिया। अब उसके बाद आपने करना क्या है, बैंडेज हम सबके घरों में बहुत ही कॉमन होती है, बैंडेज हम सबके घरों के पास अवेलेबल भी होती है। आपने करना क्या है, आपके पास इस टाइम एक बैंडेज होना चाहिए, एक कैंची होनी चाहिए। आपने पहले बैंडेज का एक टुकड़ा लेकर के उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीसेप्टिक क्रीम में देखिए घाव वगैरह पे लगाने के लिए जो है ये लोरेक्सिन, लोरेक्सिन क्रीम है, ये बहुत ही अच्छी आप कह सकते हैं वुंड हीलिंग में काम आ सकती है। तो आप लोरेक्सिन यूज़ कीजिए, आप इसमें बैंडेज के ऊपर जो है इस पर हल्की सी लोरेक्सिन लगाइए। देखिए इस चीज़ को सीख लीजिए, क्योंकि इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन आपको कहीं भी कोई भी बर्ड्स कहीं भी रास्ते में पड़ा हुआ मिल जाए या घर में अचानक से पंखे से आके टकरा जाए या एक बर्ड्स दूसरे बर्ड्स को घायल कर दे, यानी उसके चोट लगने से भी मतलब कोई इंजरी भी हो सकती है, कोई इंसिडेंस भी हो सकता है, आपने लोरेक्सिन क्रीम को एक बैंडेज के ऊपर लेकर के जहाँ पर से इसका इंजरी हुई है इसको हल्के से इस तरीके से कवर कर देना है। अब आपने जो है इसको धीरे धीरे इसको बैंडेज अप्लाई करना है, मतलब इसको सॉफ्ट हैंड्स के द्वारा बैंडेज करने का तरीका है, पहले बर्ड्स को थोड़ा कंफर्टेबली यानी थोड़ा सा बर्ड्स शांत हो जाए उसके बाद ही आप इस पर बैंडेज कीजिए। इसको ज़्यादा टाइट हाथ से ना करें, हल्के हल्के हाथों से जो है आप इस पर बैंडेज अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसको इतना टाइट भी ना बांधे कि आपके बर्ड्स को परेशानी, बिल्कुल सॉफ्ट हाथों के साथ आपने जो है इस पर बैंडेज अप्लाई करना है। अब इसमें 2-3 तरीके हैं, आपने बैंडेज करने के बाद
हर तीसरे दिन आपने इसकी बैंडेज की ड्रेसिंग करनी है, पट्टी को खोल करके दोबारा से कवर करना है। दूसरा हमारा पर्पज़ होता है कि क्योंकि इस टाइम बर्ड थोड़ा पेन में होता है और पेन की वजह से अब हम इसको क्या है, एक तो पेन रिलीफ के लिए मेडिकेशन देंगे, ओरली मेडिकेशन देंगे और उसके साथ साथ कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स भी देंगे ताकि इसका जो जख्म है वो जल्दी हील अप हो जाए। अब आपने इसकी बैंडेज करने के बाद जो है इसका मेडिकेशन स्टार्ट करना है। मेडिकेशंस में क्या है, इसको पेन किलर मेडिसिन आपने देनी है और पेन किलर मेडिसिन कुछ ओरल में दे सकते हैं या कुछ इंजेक्टेबल फॉर्म में। हर तीसरे दिन आप इसकी जो है बैंडेज को आप इसमें चेंज कीजिए। इस बर्ड्स को दूसरे बर्ड से, यदि आपके पास बर्ड्स ज़्यादा हैं तो उसको सेपरेट करके रखिए। ये आपका बैंडेज कंप्लीट हो गया, अब तक जो है आपका बर्ड्स बिल्कुल अच्छे से कॉपरेट कर रहा है। अब आपने इसको क्या है, पेन किलर मेडिसिन देनी है। पेन किलर मेडिसिन में हमारे पास ये इबिजेसिक प्लस सिरप है। बर्ड्स को ऐसे मुंह खोल करके दवाई देने का तरीका ये होता है कि आप एक हाथ से ही इसके मुंह को इस तरीके से खोलिए और ड्रॉपर की सहायता से इस तरह से 5 ड्रॉप आप इसको दे दीजिए। दिन में 2 से 3 बार दीजिए ताकि बर्ड्स जो है, अगर क्योंकि बर्ड्स में अभी ताज़ा इंजरी हुई, इसकी बॉडी में पेन होगा तो पेन में काफ़ी रिलीफ दे। अब बात आती है पेन के लिए आपने दे दिया, इसको इंजेक्टेबल फॉर्म में यानी इसके एंटीबायोटिक के तौर पे आप इसको इंजेक्शंस क्या दे सकते हैं। इंजेक्शंस में जो है बर्ड्स को जो सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक सूट करता है वो एंड्रोफ्लोक्सासिन होता है। बर्ड्स के लिए कोशिश कीजिए जब भी आपने सिरिंज यूज़ करता है ये इंसुलिन वाला सिरिंज यूज़ कीजिए, क्योंकि इसकी जो नीडल होती है काफ़ी फाइन होती है और इसमें बर्ड्स को पेन भी नहीं होता है। आपने ये एंड्रोसिन जो है इंजेक्शंस है, एंटीबायोटिक है, आपने इसको 0.1 ml लेना है। आपने इसको ये जो है लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक है, यानी आपने एक बार लगा दिया अगले 48 से 72 घंटे तक जो है इसका इफेक्ट रहेगा। और आप ये मान के चलिए ये लेने के बाद इसको लगाने का तरीका देखिए, इंट्रा मस्कुलर देना है। बर्ड्स की बॉडी में मसल्स कहाँ से होते हैं, इसके लेग्स में आप इसको दे सकते हो, लेग्स में 2 जगह दे सकते हो। आप इसका पैर पकड़ करके आप इसको लेग्स में हल्का सा ऐसे धीरे इंजेक्ट कीजिए और ये इसको धीरे धीरे यहाँ पे लगा दीजिए। दूसरा एक तरीका और होता है कि यदि आपको लेग्स में लगाने में कोई दिक्कत है तो आप इसके चेस्ट वाले पोर्शन में, यानी ये जहाँ ये मिड वाली जो चेस्ट वाली बोन है, आप इसके देखिए दोनों तरफ यहाँ पे काफ़ी फैट अवेलेबल होता है, तो आप इसके दोनों तरफ भी आप यहाँ पे नीडल इंसर्ट करके इस तरह से जो है बर्ड्स में इंजेक्टेबल आप यहाँ इसको दे सकते हैं। ये जो इंजेक्शन आपने एक एक दिन के गैप पे आपने देना है और एक एक दिन के गैप पे ही आपने इसको ड्रेसिंग करनी है। पेन किलर मेडिसिन आप इसको सुबह शाम दीजिए, बर्ड्स को सेपरेट रखिए। हीलिंग होने में 8 से 10 दिन लगेंगे, यानी ये बर्ड्स आपका पूरी तरीके से कम्प्लीट हील होने में 8 से 10 दिन लेगा। यदि आपको इस प्रकार आप कोई भी इंजर्ड बर्ड्स हो उसकी केयर करके मेडिकेशन करके आप उसको अच्छी तरीके से ठीक कर सकते हैं। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया है कि आपको यदि रास्ते में पड़ा हुआ कोई बर्ड्स मिल जाए या कोई इंजर्ड बर्ड्स आपके घर में आ जाए, कैसे आपने उसकी फर्स्ट एड करनी है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसे ड्रेसिंग करनी है, कैसे आपने इंजेक्शन लगाना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।